तो इस रिकॉर्डिंग में आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं कि आप कैसे एडिटकॉर के एप्लीकेशन में रजिस्टर कर सकते हैं, QR कोड स्कैन कर सकते हो, कैसे उनसे पॉइंट्स अर्न और रिडीम कर सकते हैं। तो आपके एप्लीकेशन खोलते ही आपको यहाँ पर एक रजिस्टर नाउ का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करते ही आपको कुछ डिटेल्स दिखेंगी जो आपको फिल करनी रहेंगी। जैसे आप ये सामने देख सकते हैं, यहाँ पर आपको अपना नाम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, आपका रेजिडेंशियल एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, पिन कोड, ये सारी बेसिक डिटेल्स डालनी रहेंगी। इसके बाद यहाँ पे नीचे एक सेव का ऑप्शन है, जिसको डालते ही आपकी सारी डिटेल्स सेव हो जाएंगी। फिर उसके बाद में आपने जिस मोबाइल नंबर से रजिस्टर करा है वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना रहेगा। मोबाइल नंबर डालते ही आपको यहाँ पर एक OTP आएगा आपके मोबाइल एप्लीकेशन पर। OTP एंटर करते ही आप एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिखेंगे, आप अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, और इसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे तो आप सीधे होम पेज पे आ जाएंगे। एप्लीकेशन में एंटर करते ही एलोडेकॉर में जो भी स्कीम्स चल रही होंगी उसका एक पॉपअप बैनर आपको दिखेगा। होम पेज पर आते ही आपको अपने अवेलेबल पॉइंट बैलेंस दिख जाएगा, अगर आपने कोई बैजेस अर्न करे होंगे तो वो बैजेस दिख जाएंगे आपको। इसके बाद आपको यहाँ पर एक स्कैन का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो कोई भी QR कोड स्कैन करने के लिए आपको बस यहाँ पर सिलेक्ट करना है और यहाँ से आप कोई भी QR कोड स्कैन कर सकते हैं। इनकेस आप स्कैन नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर आप ऊपर एक कूपन कोड का ऑप्शन है, जहाँ पर आप अपना कूपन कोड भी एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना रहेगा। सबमिट पर क्लिक करते ही आपके जो भी पॉइंट्स होंगे QR कोड के थ्रू वो रिडीम हो जाएंगे। पॉइंट्स रिडीम करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपके बैंक डिटेल्स और KYC कंप्लीट हो। उसके लिए आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड पे बॉटम में मेन्यू का ऑप्शन दिखेगा, जिसमें जाते ही आपको एक व्यू प्रोफाइल का ऑप्शन दिखेगा। व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करते ही आपको कुछ डिटेल्स रहेंगे जो फिल करनी रहेंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं KYC डिटेल्स और बैंक डिटेल्स का ऑप्शन है। KYC डिटेल्स पे क्लिक करते ही यहाँ पर कुछ डिटेल्स आएंगी जो आपको एंटर करनी रहेंगी, अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल्स एंटर करते ही आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद आपके बैंक डिटेल्स का ऑप्शन आएगा, जिसमें आप अपने बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड एंटर करेंगे। हमारे प्रोग्राम की और डिटेल्स जाननी है तो आप हमारी प्रोग्राम बुकलेट पर भी जा सकते हैं। प्रोग्राम बुकलेट में आपको करेंटली रनिंग स्कीम्स और उनके स्लैब्स विजिबल रहेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप कितने पॉइंट्स पर कितना अमाउंट रिडीम कर सकते हैं। आप हमारी कस्टमर सपोर्ट टीम से भी डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन है, जिसमें जाते ही आपको हमारा टोल फ्री नंबर और हमारी ईमेल एड्रेस विजिबल रहेगा। इस पर आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं और हमारी कस्टमर सपोर्ट टीम विद इन 24 to 48 hours आपकी क्वेरी रिजॉल्व कर देगी। पॉइंट्स रिडीम करने के लिए आप यहाँ पर रिवॉर्ड्स के ऑप्शन में जाएंगे। रिवॉर्ड्स के ऑप्शन में जाते ही आपको लेफ्ट हैंड साइड पर एक बैंक का ऑप्शन विजिबल रहेगा। बैंक पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर अपने पॉइंट्स एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद ऐड टू कार्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ऐड टू कार्ट पर क्लिक करेंगे आपके पॉइंट्स बुक हो जाएंगे और इसे कंफर्मेशन के लिए आपको कंग्रेचुलेशन बैनर भी मिलेगा। जो आपने पॉइंट्स बुक करे हैं वो विद इन 1 week के टाइम ड्यूरेशन में आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस था हमारे एलोडेकॉर के एप्लीकेशन से पॉइंट्स अर्न करने का। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरीज और क्वेश्चंस हो तब हमारी कस्टमर सपोर्ट टीम को रीच आउट कर सकते हैं। Thank you so much.